अमरनाथ यात्रा के दौरान सलीम ही नहीं बल्कि बस के कंडक्टर ने भी अहम भूमिका निभाई थी, तब जबकि आतंकी हमला हुआ था अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए जो बस श्रद्धालुओं से भरी वापस लौट रही थी। हमले के समय दरअसल कंडक्टर मुकेश पटेल दरवाजे पर खड़े थे। हमला करने वाले कुल 3 आतंकी थे। एक आतंकी ने दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की लेकिन मुकेश ने आतंकी को धक्का दिया और दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। सलीम बस लेकर तेजी से भागे। इस समय मुकेश वलसाड के अस्पताल में भर्ती है। मुकेश से बात की हमारे संवाददाता मयूर परीख ने। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो भी लोग घायल हैं वो इस समय वलसाड के कस्तूरबा अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। मेरे साथ इस समय मुकेश हैं जो कि उस बस में कंडक्टर की सेवा दे रहे थे। मुकेश से हम बात करते हैं। मुकेश जी, ये बताइए कि इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा है? सर, अभी भी मेरा दर्द हो रहा है ये सब, और ये हार्ट में फ्रैक्चर है, पैर में है सर, दर्द कर रहा है। अभी क्या है, इसमें भी ये कराया, सीनी कराया, उसमें कांच बांच सब लगे हुए हैं। अब वो डॉक्टर बोलेगा कि भाई निकालने का है, तो सर में से ये सब कच्चर निकालने का है। अब ऐसी कौन सी जगह पे उस समय मौजूद थे कि गोलियों की बौछारों की रेंज में आप पूरी तरह से आए? सर, मैं अपनी जगह, हमारे तो गेट पे ही रहती है, सामने जो सीट ही रखती है वहीं पर रहता है, वहीं हम लोग दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है हम लोग को। और जो कोई हमारा ड्राइवर को ओवरटेक करे, अगर सामने से मेरे को हाथ दिखाना पड़ता है कि भाई रुक जाओ, हम लोग को जाने दे, कि तुम जाओ, हम लोग पीछे रह, ऐसा दिखाना पड़ता है। मेरे को गेट पे ही रहना पड़ेगा, मैं कंडक्टर की नौकरी करता हूँ, मेरे को तो वहीं पे रहना पड़ेगा आगे। मुकेश जी, वो 10 मिनट रात को 8 बजे के बाद के, हमें सिलसिलेवार बताइए आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा? हम लोग टेम्पू से जब आ रहे थे बाबर 8 बजे, अभी हम लोग 10-15 पंचर करा के गाड़ी को फिट बिट कराया और 10-15 किलोमीटर हम लोग आगे गए, या धड़ाधड़ फायरिंग चालू हो गई। अभी करे गया, पहले तो हम लोग को फटाका फूट रहे होंगे, लेकिन अपने को कभी देखा नहीं कि फायरिंग में आवाज़ की गोली आती है, ऐसा होता है। जब भी कांच पे लगी, एक हर्ष को लगी, और पहले कांच पे लगी, और जो कांच पे लगी वो सीधी हर्ष को वो बाया इसमें लगा। हर्ष बोले, मुकेश भाई तो गोली है, बोले वो दरवाजा बंद करो, एक वो घूम के आ रहा था, एक वो हंसते बोलो बोलो आ रहा है, और दरवाजा बंद करो। साला सामने आ गया, मैंने लाट मार के उसको दरवाजा, मैंने उसको फेंक दिया, दरवाजा बंद कर दिया। और मेरा जो मालिक है, सेठ है, वो हर्ष जो आवाज़ देने लगे, बोले सलीम भाई भी बोला बुरा हो गया, गाड़ी बंद नहीं थी, स्लोली ही थी, उसने बोले कि भगाओ भगाओ। तो सलीम भाई ने जैसे ही बोले कुछ भी हो जाए तुम भगाओ गाड़ी, जैसे ही करके हम लोग वो कैंप तक पहुंच गए, मिलिट्री कैंप वाले ने हम लोग को सपोर्ट दिया। हमारे जब जो पैसेंजर को घायल थे सब, उसको ट्रीटमेंट दिया और देखा कि हर्ष को 2-3 गोली। जी, कितने कितने लोग थे वहाँ पे गोलियाँ चलाने वाले? 3 हम लोग को दिखाया था, वो भी मिलिट्री ड्रेस में था, और साइड वाला तो साइड पे इतनी गोली चलाई ना कि वो आप बस को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितनी गोली चलाई है, कि कितने मिनट लगी होगी, क्योंकि वो टाइम कोई घड़ी देखने का कि भाई इतने टाइम इतनी चलती है, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जो पैसेंजर मेरे, जो हमारी जवाबदारी है, जो हम लोग अच्छे से निभाना चाहिए, वो बेचारा सब लोग भाई उसके घर वाले कैसे होएंगे। तो आप झुक गए तुरंत ही उसके बाद? झुके का हम लोग को भी गोली लगी थी, ये देखो नहीं यहाँ से निकली खून लटपट, हम दो हर्ष भी एकदम, हर्ष को तो 2-3 2-3 इधर लगी थी, ये बाएं उधर पेट में साइड पे, तो अच्छा हुआ टकरा के आई थी, उसके लिए जो सीधी जो आती तो कुछ और होता। हर्ष और उसका पापा, और मैंने बोला मेरे को भय आई है, देखो आप, और पैसेंजर जो निकाला ने, जो मिलिट्री वाले ने जो हम लोग को सपोर्ट दिया उसका मानना पड़ेगा। अच्छा, 24 घंटों के भीतर 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया मिलिट्री ने, क्या कहेंगे इस पर? वो अच्छा क्या, जितना उतना मैंने बोलता हूँ, सामने आओ, पीछे से क्यों वार कर रहे हो, बुजुर्ग को क्यों मार रहे हो, आओ तुम, हम लोग भी तैयार ही रहेंगे, बोलो तुम बोलो। अब फिर अमरनाथ यात्रियों को मार के क्या मिलेगा उन लोगों को?
गरीब आदमी है, बुजुर्ग है, उसको क्यों मार रहे हो लोग? फिर अमरनाथ यात्रा को जाने के लिए तैयार? अभी सर ऐसा देखा ना कि अपने को मन उठ गया है, क्या क्या जाए अभी जो हम हमारा पैसेंजर को जो अभी उसको परिस्थिति कैसी होगी हम लोग की? अभी मेरा ही ऐसा हाल है, अभी हम मेरी मम्मी पापा के पास कुछ नहीं है और उन लोग बेचारा क्या करेगा जो भंग टूटे हो, गोली बोली लगी है, हार्टफेयर फ्रैक्चर है सबका। अभी जो छोटे हो तो साला वही हो जाएगा ना, ना बोलते हैं कि बोले परमिट नहीं है, परमिट नहीं है। और तुम बस पे जाके देखो ना, जो इतना बड़ा लेबल लगाया है गवर्नमेंट का, 60 आदमियों को हम लोग लेके जाते हैं, उस सबका प्रूफ है हमारे पास, सबका प्रूफ है। अमरनाथ में ऐसे थोड़े कोई जाने देगा, अंडर प्रूफ के बगैर मंदिर में नहीं जाने देगा आपको। मुकेश भाई, जिनका कहना है कि बहादुरी से किस तरह से पूरी परिस्थितियों का सामना पूरी बस में मौजूद तमाम लोगों ने किया और किस तरह से लोगों की जान बची, बहरहाल वो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सरकार कार्रवाई करे उन लोगों के खिलाफ जो आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। मयूर परी, केबीपी न्यूज़, वलसाड़। और अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर वहां गए थे। वापस दिल्ली लौटने पर उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह ने। अमरनाथ यात्रियों पर हमला होने के बाद हालात का जायजा लेने के लिए गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर श्रीनगर गए थे और वहां से वापस लौटने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट दिए। सर, आप श्रीनगर गए, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की है, वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, आखिर चूक कहाँ हुई? इतनी सुरक्षा मुस्तैदी के बावजूद आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। देखिए, हम गए जरूर थे आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय से, आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम दोनों को वहाँ भेजा है, जितेंद्र सिंह जी मंत्री महोदय और हम साथ में गए, वहाँ का जायजा भी लिया, माननीय गवर्नर साहब से, माननीय CM साहब मैडम से मिले, अधिकारियों की काफ़ी देर तक बैठक ली गई, सभी वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी, वहाँ के DG, सभी फोर्सेस के DG सभी उपस्थित थे, IG से लेकर सबसे बातचीत करने के बाद में ऐसा लगा वहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है और काफ़ी तैनाती भी बड़ी है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह पर चौकस है। लेकिन एक घटना होने से देश की जनता को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, हमने देखने के बाद में लगता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, आगे भी रहेगी। और सुबह ही हमने कई बसों को वहाँ से कैंप से छोड़ते समय में हम स्वयं वहाँ उपस्थित थे, हम दोनों ने वहाँ देखा कि लोगों में उत्साह भरा हुआ है, विश्वास भी है कि सुरक्षा पूरी प्रदान की जा रही है, की जाएगी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुढ़ियाँ सब वहाँ पे थे। एक सवाल ये उठता है कि जो आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है, क्या उनके खिलाफ एक अलग से ऑपरेशन चलाया जाएगा उनको क्रैक डाउन करके, एक उन्हें ख़त्म करने के लिए? देखिए, ऑपरेशन तो सुबह में भी हो गया, कल रात भर चला, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, उन्हें कभी कोई माफ़ थोड़ी करने वाले हैं। वो ऐसे अपराधों को जिनमें निहत्तों पर, महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, उनके जगह पे उन पर गोलियाँ चलाई गई हैं, ऐसे बुजदिल आतंकियों के साथ में हम कभी भी उनको समाप्त करने के लिए सरकार और पूरी फोर्सेस तैयार हैं और समाप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ, शिवसेना की तरफ से भी कहा गया कि बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था कि अगर एक भी अमरनाथ यात्री को छुआ गया तो हज का एक भी विमान मुंबई से उड़ने नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की क्रिटिसिज्म को आप किस तरीके से? देखो, हम समझते हैं कि हमें सुरक्षा देना है, हम वहाँ के यात्रियों को पूरी सुरक्षा देने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और होम मिनिस्ट्री से लेकर रक्षा मंत्रालय भी इसमें अच्छा काम कर रहा है और विशेष करके राज्य सरकार भी बहुत ताकत से वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस भी, वहाँ के DG, वहाँ के IG सभी लोगों ने, मैं देखा स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी काम मेहनत कर रहे हैं, हमारे सारे फोर्सेस के काम कर रहे हैं। ये सारी बातों पर अनेक विपक्षी दल अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से बातें हो रही है और 30 सालों से बाद में इस वर्ष ही जो कुछ बात हुई है, इसलिए हम तो दुखी भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा, हम तुरंत अपने जवाब दे दिया, 3 आतंकियों को रात भर की इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, सरकार कैसे माफ़ कर सकती है? हमारी कोई जिम्मेदारी है? हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, हमारे फोर्सेज जिम्मेदारी से काम कर रही है, लोकल पुलिस जिम्मेदारी से काम कर रही है और ये घटना नहीं होना चाहिए, तो हो गई है और काफ़ी गंभीरता से हम इसको लिया, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको गंभीरता से लिया है, होम मिनिस्टर जी भी इस पर काफ़ी गंभीर है। धन्यवाद। तो आपने सुना हंसराज अहीर जी का साफ तौर पर कहना है कि आगे जो यात्रा जारी रहेगी, यात्रियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और जो
आतंकी इस घटना के पीछे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऑपरेशन चलाकर उन्हें खत्म किया जाएगा। कैमरामैन विशाल राय के साथ राजन सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।